आसाराम पर जैसे जैसे कानून का शिकंजा कस रहा है, उनके समर्थकों का गुस्सा वैसे वैसे काबू से बाहर होते जा रहा है। आपको हम तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरों में आप देखेंगे कि आसाराम के समर्थकों ने किस तरह बदतमीजी की, मीडिया वालों से वो बार बार भिड़े। बीती रात भोपाल एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की की। हमारे सहयोगी चैनल की भी, यानी कि हमारे टीम के भी कैमरे को मारा गया, कैमरामैन को मारा गया, कैमरे को धक्का दिया गया। और आज बताया जा रहा है कि एक और चैनल के रिपोर्टर के साथ मारपीट हुई, उसको लहूलुहान कर दिया आसाराम के समर्थकों ने, जो शायद इस बात को पचा ही नहीं पा रहे हैं कि आसाराम के ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही है वो किसी भी वक्त गिर सकती है, किसी भी वक्त वो पुलिस के शिकंजे में आ सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुलिस को अभी भी ये नहीं मालूम है कि आसाराम है कहाँ। बार बार लोकेशन बदल रहे हैं। बताया जा रहा है कि भोपाल से वो देवास गए, देवास से इंदौर, और इंदौर में भी अब उनके नहीं होने की खबरें सामने आ रही हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह की तस्वीरें हैं, जब एक चैनल के रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ आसाराम के समर्थकों ने मारपीट की, धक्का मुक्की की, और इस रिपोर्टर पर इतनी बुरी तरह हमला किया गया कि वो बुरी तरह लहूलुहान हो गया, उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। देखिए, मुझे लगता है कि जो अटैक हुआ है वो केवल IBN7 या किसी एक चैनल पर नहीं हुआ है, लेकिन पूरे मीडिया पर हुआ है। और ये लगातार होता जा रहा है कि जब भी आपको किसी बात पसंद नहीं आए जो मीडिया दिखाती है, तो आप हिंसा पर उतर आते हैं। और आज IBN7 पर हो रहा है, कल किसी और चैनल पर होगा। और मुझे लगता है कि आसाराम के जो सपोर्टर्स हैं वो भयभीत हुए हैं, और ये उनकी कायरता का प्रतीक है कि जब उनके जो लीडर हैं वो कानून के सामने आने के बजाय छिप रहे हैं, और उनके सपोर्टर्स हिंसा पर उतर आ रहे हैं। ये कैसी उनकी स्पिरिचुअलिटी है? कहां भगवान ने ये कहा है कि आप हिंसा पर उतर आइए, जब केवल मीडिया आपको सवाल पूछ रहा है? हम आपको बता दें कि हमारी कैमरा टीम के साथ भी इसी तरह आसाराम के समर्थकों ने बदतमीजी की थी, लेकिन आज जिस मीडियाकर्मी को मारा वो तो लहूलुहान हो गया इस मारपीट के चलते। बहरहाल, इस घटना की, आसाराम के समर्थकों के इस आचरण की हर तरफ से निंदा सुनाई दे रही है। राजनीतिक दलों ने भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। अब आज IBN7 के लोगों के कहीं जो है वो कैमरा तोड़ दिया, उनको मारा पीटा, फिर भोपाल में आप देख रहे थे कि किस तरह से पूरी भीड़ पत्रकारों पे हमला कर रही थी। वो तो जहां जा रहा वहां पत्रकारों को देख करके, टीवी को देख करके भड़कता है। वो जानता है कि इसमें पोल खुलती है।